तिब्बती सर्वोच्च धर्म गुरु दलाई लामा के बाद महत्वपूर्ण माने जाने वाले तिब्बती धर्म गुरु त्रिनले दोर्जे करमापा के भारत वापस आने पर शिष्य बन गया है। करमापा इस समय यूएसए में है। वो कुछ समय के लिए यूएसए गए थे, लेकिन उन्होंने वहां अपना प्रवास कार्यक्रम बढ़ा लिया है। अब सूचना आ रही है कि करमापा वहां अपना प्रवास और बढ़ा सकते हैं। यहां तक सामने आ रहा है कि ये यूएसए में शरण ले सकते हैं। अमेरिका में करमापा कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र हैं और किसी से भी मिल सकते हैं, जबकि यहाँ करमापा हर समय खुफिया एजेंसियों और प्रदेश पुलिस के दायरे में रहते हैं। उन्हें कहीं जाने यहाँ तक अपने गुरु ताई शितु रिपोंचे से मिलने के लिए भी अनुमति लेनी पड़ती थी। सूत्रों की माने तो करमापा ने यूएसए जाने के पीछे अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था, लेकिन अब अवधि बढ़ने लगी है। करमापा करीब 14 माह पहले यानी मई 2017 को धर्मशाला से 3 माह के लिए यूएसए गए थे, लेकिन अभी तक उनकी वापसी नहीं हो पाई है। यहां तक करमापा की आधिकारिक वेबसाइट में भी इस वर्ष उनकी कार्यक्रमों को लेकर केवल इतनी जानकारी दी गई है कि करमापा अंतर्राष्ट्रीय दौरे में टीचिंग साक्षात्कार व अन्य कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। जल्द ही उनके कार्यक्रमों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। हालांकि दलाई लामा की भी आम तौर पर विदेश यात्राओं में जाते हैं, लेकिन दलाई लामा बेहद कम समय तक ही विदेश में ठहरते हैं। विदेश यात्राओं के लिए तिब्बती आईसी पहचान प्रमाण पत्र धारकों को 3 महीने का वीजा जारी किया जाता है। वहीं स्थानीय एजेंसियों और गेयुतो मठ से जुड़े सूत्रों की माने तो करमापा अमेरिका में अपने रहने की अवधि न केवल बढ़वा सकते हैं बल्कि वहां शरण भी ले सकते हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से इस पर कोई टिप्पणी करने को तैयार नहीं है। साथ में करमापा त्रिनले दोर्जे करमापा इस समय धर्मशाला के सिद्धबाड़ी में गेयुतो मठ में रहते हैं और कांग्यू संप्रदाय के प्रमुख हैं। इस बारे में जब जिला कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक संतोष पटियाल से तिब्बती धर्मगुरु त्रिनले दोर्जे करमापा की सुरक्षा में तैनात की गई पुलिस फोर्स के बारे में बात की गई तो वह तो लगभग 1.25 साल से यहाँ नहीं रह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था की बात है वह इस बारे में नहीं बता सकते। उन्होंने कहा कि जहां तक उनके बाहर रहने का सवाल है उस पर कोई भी कमेंट करना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा जब तक सरकार का कोई आदेश उनकी सुरक्षा को हटाने का उन्हें नहीं मिलता है तब तक उनकी सुरक्षा व्यवस्था वैसे ही रहेगी जैसी चलती आ रही है। देखिए सिक्योरिटी सेकंड आईजी की है और जहां तक उनके बाहर जाने का प्रश्न है वो उसके बारे में कमेंट करना उचित नहीं होगा। तो सर जो सिक्योरिटी अभी लगी क्या वो अभी वहीं पर रहेगी करमापा टेम्पल में? अभी तो ऐसा कोई विड्रॉल का उसका कोई हमें आदेश नहीं है या हमें या सेकंड आईजी को, तो ऐसा जब तक आदेश कोई नहीं तब तक तो वो रहेगी। तो सर 1.5 साल से बाहर है सर जी कोई आइडिया सर? अब उस बारे में नहीं कमेंट कर पाए क्योंकि तो सरकार के लेवल की बातें और इंडिविजुअल के लेवल उनकी लेवल की बातें होंगी, जैसे कि इन पर भी समझे हैं और वक्त कब आएंगे ये भी उनका और बाकी इस मामले में ज़्यादा कमेंट करना उचित नहीं है सरकार के लेवल की बातें। सर जिस तरह कश्मीर और जम्मू में प्रेजिडेंट रूल जो लगा हुआ है तो किस तरह देखते हैं सर? मैक्लोडगंज में काफ़ी कश्मीरी